नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी वृषभ राशि के दर्शकों का, सभी महिलाओं का, सभी पुरुषों का, छोटों का, बड़ों का, सभी का स्वागत है। वृषभ राशि अगस्त 2019 जानते हैं। अगस्त 2019 का महीना किस प्रकार के परिणाम आपके लिए लेकर आया है, यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न राशि पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी नौकरी, व्यापार, शिक्षा, सेहत, शत्रु, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, आर्थिक स्थिति, देश विदेश की यात्रा और आपके लिए क्या कुछ लकी रहेगा और क्या चीज़ अनलकी रहेगा, कब सावधानी रखनी है, कब सावधानी रखते हुए बहुत ज़्यादा लाभ कमाना है, शत्रु का हाल क्या रहेगा, सेहत का हाल क्या रहेगा, पूरे महीने में जो भी कुछ छोटा बड़ा घटेगा उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। और यह वीडियो जो है महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए है, हर उम्र के लिए है, अमीर के लिए है, गरीब के लिए है, शहर में रहने वाले के लिए है और गांव में रहने वाले के लिए भी है और विदेश में रहने वाले के लिए भी है। तो ऐसा कई बार लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ पुरुषों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए है। यदि आप वृषभ राशि के हैं, आपकी चंद्र राशि वृषभ है या लग्न राशि वृषभ है, तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, घंटी वाले निशान को जरूर दबा दीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे गोचर कुंडली, दो नंबर की कुंडली आपके सामने स्क्रीन पर है। राहु बैठे हुए हैं आपके द्वितीय भाव में, बुध, मंगल और सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में, गुरु बैठे हुए हैं आपके सप्तम स्थान में और केतु और शनि बैठे हुए हैं आपके अष्टम स्थान में। तो आप समझ लेते हैं ग्रहों का भ्रमण काल की कब कब ये स्थान परिवर्तन करेंगे। राहु पूरे महीने धन भाव में ही रहेंगे, गुरु पूरे महीने सप्तम भाव में रहेंगे, शनि केतु अष्टम भाव में रहेंगे, मंगल 8 अगस्त तक तृतीय भाव में, मंगल 9 अगस्त से महीने के अंत तक फोर्थ हाउस में, सूर्य 16 अगस्त तक तृतीय भाव में, 17 अगस्त से महीने के अंत तक चतुर्थ भाव में, बुध 25 अगस्त तक तृतीय भाव में और फिर महीने के अंत तक चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, शुक्र 15 अगस्त तक तृतीय भाव में, शुक्र 16 अगस्त से चतुर्थ भाव में, चंद्रमा 1-2 तारीख को तृतीय भाव में मंगल के साथ महालक्ष्मी योग या धन योग बनाएंगे, चंद्रमा 26-27 अगस्त को राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे द्वितीय भाव में, चंद्रमा 9-10 तारीख को सप्तम भाव में गज कृष्ण योग का निर्माण करेंगे देव गुरु बृहस्पति के साथ, चंद्रमा 11-12 अगस्त को अष्टम भाव में विष दोष ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे। तो ये थी ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था और ग्रहों का भ्रमण काल। ये समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये बेस होता है, ये आधार होता है, फाउंडेशन होती है राशिफल की। तो जल्दी से इसको बताने का प्रयास करते हैं हम कि ताकि आप इसको समझ सकें और गहराई को समझ सकें अपने राशिफल की। तो चलिए अब आ जाते हैं फलादेश के ऊपर और वीडियो के अंत में इस महीने को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय भी होंगे, तो पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा तो आपका और फायदा होगा। आपके लिए अगस्त का महीना उम्मीद से बेहतर जाने वाला है, आपकी भविष्य की संबंधी योजनाएं सफल होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस महीने व्यापार करने वाले लोगों को एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, उनके प्रोडक्ट में सबसे हॉट सेलिंग आइटम प्रोडक्ट कौन सा है, और ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों को एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या क्वेश्चन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो व्यापारियों के लिए अपने हॉट सेलिंग प्रोडक्ट की लिस्ट बना लेनी चाहिए कि हमारी कंपनी या हमारी दुकान पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बिकती है, और छात्रों को या छात्राओं को उन क्वेश्चंस की लिस्ट या उन चैप्टर्स की लिस्ट बना लेनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापारी अपने हॉट सेलिंग आइटम और ज़बरदस्त प्रमोशन से यानी उसका एडवर्टीजमेंट करें, उसके लिए जो भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लोगों को बताएं, पर्चे छपवाएं, बैनर लगवाएं, टीवी पर ऐड चलवाएं, यूट्यूब पर ऐड चलवाएं, जहां पर भी आप ऐड चलवा सकते हैं चलवाएं और उसका प्रचार प्रसार करें, क्योंकि हॉट सेलिंग आइटम जितना आप और प्रचार प्रसार करेंगे उतना वो और बिकेगा और आपका मुनाफा भी बढ़ेगा और आपका नाम भी बढ़ेगा और आपकी कंपनी भी ऊपर बढ़ती चली जाएगी और ग्राहक भी आपकी दुकान पर या होलसेलर्स या रिटेलर्स जो भी जिस भी तरीके का बिजनेस है ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इस प्रकार छात्र छात्राएं भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट है उसकी तैयारी करके बढ़िया अंक प्राप्त कर पाएंगे और बहुत अच्छे अंकों के साथ एक अच्छी रैंक के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार के नियम को यदि अपनाते हैं, इस तरीके के फॉर्मूले या इस तरीके की रणनीति व्यापारी और छात्र छात्राएं बनाते हैं,
तो आगे आने वाले भविष्य में या तुरंत आने वाले भविष्य में कुछ ही दिनों में आप एक बड़े मुनाफे और एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। यह महीना यात्रा से भरा होगा। कुछ यात्राएं काम के सिलसिले में होंगी, कुछ यात्राएं मौज मस्ती छुट्टी के लिए होंगी। यात्रा देश विदेश कहीं की भी हो सकती है और यात्राएं खुशनुमा होंगी, बढ़िया होंगी और लाभदायक होंगी। आप देखेंगे कि आपकी कंपनी जो है, आपका जो व्यवसाय है, वो बहुत बढ़िया चलने लगेगा। आप यात्रा करेंगे अपने व्यवसाय के सिलसिले में, हो सकता है नए ऑर्डर्स के लिए आपको जाना पड़े किसी दूसरे देश प्रदेश में, तो आपके बहुत बड़ा काम बढ़ने वाला है इस समय अंतराल में। और देखते ही देखते आप अपने साथ बहुत नए लोगों की टीम को जोड़ लेंगे, आपके व्यापार का जो दायरा है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो यात्राएं जो भी व्यापारिक होंगी वो बहुत ही सुनहरी होंगी, बहुत ही लाभदायक होंगी। तो यात्राओं से लाभ जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यदि यात्राएं मौज मस्ती के लिए, घूमने के लिए भी होती हैं, तो उसमें बहुत सारा आनंद होगा। तो कुल मिलाकर बढ़िया प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो हर राह पर आपको सफलता मिलती चली जाएगी। कुछ लोगों के जीवन में यह महीना बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि वो अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, नया नौकरी, नई व्यापार में अपने कदम जमा पाएंगे। अभी तक कुछ गड़बड़ चल रही थी, सेटलमेंट नहीं हो रहा था, नौकरी में बॉस से नहीं बन रही थी, सहकर्मियों से नहीं बन रही थी, या प्रमोशन अटकी हुई थी, या फिर व्यापार में कुछ अभी ठीक तरीके से हिसाब किताब सेट नहीं था। तो इस महीने ये सारी जो परेशानियां हैं ये दूर होते हुए आपका सेटलमेंट हो जाएंगे, समझौते हो जाएंगे और फिर आप लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो व्यापार, नौकरी, शिक्षा, हर क्षेत्र में अभी तक यह समय आपके लिए बढ़िया बना हुआ है। मुनाफा कमाते हुए व्यापार में पैसा लगाने की भी सोचिएगा। अगर आपने 100 रुपये कमाए हैं तो उसका अच्छा इन्वेस्टमेंट करिएगा और कुछ धन जो है अपने बुरे वक्त के लिए, अपनी सिक्योरिटीज के लिए बचा के भी रखिएगा। 100 रुपये के मुनाफे में आप 60 रुपये लगाइए, 40 रुपये एक अच्छे आगे आने वाले वक्त के लिए बचा के रखिए। कब जरूरत पड़ जाए वक्त में पता नहीं चलता है, तो सारा पैसा खर्च मत करिएगा। अचानक से मुनाफे के लिए आपको शेयर मार्केट की तरफ जाने का मन करेगा। शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, किस्मत आजमा सकते हैं, प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हैं जहां से एक बड़ा मुनाफा आपको मिल सकता है। लेकिन हर जगह पे समझदारी रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे मैंने कहा, पूरा प्रॉफिट मत लगा दीजिएगा, ना ही प्रॉपर्टी में, ना ही शेयर मार्केट में, या किसी अन्य रास्ते पर। थोड़ा थोड़ा लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा मुनाफा कमाइएगा, आगे बढ़ते चले जाइएगा तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपको तलाश थी सरकारी नौकरी की, तो यह महीना आपकी यह तलाश भी पूरी करवा सकता है। आपको किस्मत और मेहनत दोनों से सरकारी नौकरी में कुछ इंटरव्यू आप क्लियर कर लें, हो सकता है एग्जाम्स, रिटन एग्जाम्स क्लियर हो जाए आपके, या पहले से सरकारी नौकरी में हैं और इंटरनल प्रमोशन चाहते हैं कोई एग्जाम देकर, तो वहाँ पर भी अच्छी पोजीशन बनी हुई है ग्रहों की। यहाँ पर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी यदि प्राइवेट है तो भी आपको प्रमोशन मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। बेहतर नौकरी के लिए आपको और एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए इस समय अंतराल में, और बहुत कुछ सीखना चाहिए। यह समय सीखने का भी है। जिन लोगों के पास भरपूर एक्सपीरियंस है उनको तो लाभ होगा ही होगा, जिनके पास एक्सपीरियंस की कमी है वो लोग इस समय अंतराल में बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, यदि थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे। और यदि आपका एक्सपीरियंस एकत्र हो गया तो आगे आने वाले भविष्य में बहुत मौके आएंगे जब आप बहुत अच्छे पदों पर पहुंच जाएंगे। तो जितनी काबिलियत है उसके अनुसार इस समय अंतराल में आप अप्लाई करेंगे। काबिलियत अगर 10% है तो आप उम्मीद करें कि आपको 11-12% मिल जाए। ऐसी उम्मीद ना करें कि आप 10% को लेकर 80% की उम्मीद कर बैठें, तो गलत जगह पे जाएंगे और फिर समय को दोष देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो यदि आप 10% के लायक हैं तो आपको 10-11-12% मिल गया, बहुत अच्छा है। 50 के लायक हैं तो 60-70 मिल जाएगा, 90 के हैं तो 100 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जितना एक्सपीरियंस है उसके अनुसार समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। और एक्सपीरियंस यदि नहीं है और आप चाहते हैं कि आप पुरानी कंपनी में और सीख लें और उसके बाद कुछ अपने एक्सपीरियंस को 10 से 20, 30, 40% कर लें और बाद में अप्लाई करें कहीं पर, तो इससे सुनहरा मौका आपको सीखने का इस महीने में नहीं मिलेगा, जहां पर आपके जूनियर सीनियर सबका सहयोग आपके साथ होगा और आप जल्दी से अच्छा एक्सपीरियंस अपने CV में
डाल पाएंगे और आगे से बता पाएंगे कि मेरे पास भी अच्छा एक्सपीरियंस है। जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ने का प्रयास कई लोग कर सकते हैं कि अभी नौकरी में 6 महीने ही हुए या 4 महीने ही हुए, लालच में कहीं दूसरी जगह ट्राई करने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप गलती कर बैठेंगे। अभी जमे रहिए और थोड़ा सा और मेहनत करिए और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने का प्रयास करिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं नौकरी में लोग, तो अपने बॉस से लड़ाई कर सकते हैं, उसको क्रॉस कर सकते हैं, उनके सवालों पे क्वेश्चन उठा सकते हैं, उनको परेशान कर सकते हैं। तो ऐसा करने से नुकसान आपका होगा। अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं चलेगा, दोस्ती करके रखनी पड़ेगी और मिलकर काम करना पड़ेगा। आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी कब? जब आप सही तरीके से सोचेंगे, सही तरीके से निर्णय लेंगे तब। अब आपके पास कोई चीज़ है नहीं, आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता है और आप बोलें कि मैं तो हवाई जहाज उड़ाऊंगा, तो फिर जब किसी ने कहा कि ये लो जी हवाई जहाज सामने खड़ा हुआ है उड़ा लो, तो फिर क्या होगा? हाथ पैर फूल जाएंगे, मानसिक चिंताएं बढ़ जाएंगी, फिर झूठ बोलेंगे ये था वो था तबीयत खराब है फला ढिकड़ा। तो जो है उतना ही बोले, जिस लायक है उस लायक ही रहे। यदि आप जो नहीं है वो बोलेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे, फिर उसके लिए आपको झूठ का सहारा लेना पड़ेगा और लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना होगा आपको। सत्य के मार्ग पर चलें और अपनी हकीकत जो है उसी के साथ रहें तो बहुत बढ़िया रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले यदि कोई चल रहे हैं और वो कोई नौकरी से संबंधित हैं, कोई इल्ज़ाम लग गए या कुछ है, और भी जो आपकी ऑफिशियल चीज़ें होती हैं वहाँ पे अगर कुछ है, तो वहाँ पर आपको विजय मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। कोर्ट कचहरी में यदि कोई घरेलू मामले चल रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे हैं, तो वो ऐसे ही चलते रहेंगे। अभी उसमें विलंब होता रहेगा या कहें कि कोई नतीजा निकल कर नहीं आएगा। लेकिन ऑफिशियल कोई अगर मैटर है कोर्ट कचहरी में, तो वहाँ पर रिजल्ट आपके पक्ष में हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतरीन रहने वाली है, आपको मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, आपके घर परिवार की स्थिति भी बढ़िया रहने वाली है। घरेलू महिलाएं कामकाजी महिलाएं घर का काम भी बढ़िया तरीके से करेंगी, नौकरी भी बढ़िया तरीके से करेंगी, परिवार को भी बढ़िया तरीके से संभालेंगी, संतुलन बना के रखेंगी। जब भी कोई छोटी मोटी परेशानी होगी तो महिलाएं बहुत समझदारी दिखाएंगी और अपने जीवन साथी का भरपूर साथ देंगी। परिवार में चले आ रहे तनाव में आपकी घर की महिलाओं का बड़ा योगदान होगा। किस चीज में? समस्याओं को सुधारने में, ना कि बढ़ाने में। तो इस समय अंतराल में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा आपके जीवन में, और वो महिलाएं आपकी पत्नी हो सकती हैं, माताजी हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, मित्र हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो महिलाओं के साथ इस समय अंतराल में अपने रिश्तों को बढ़िया रखिएगा, क्योंकि महिलाएं आपके जीवन में कोई अच्छी सलाह, कोई अच्छी जानकारी देकर आपको आगे ले जाने में सहायता करने वाली हैं। महिलाओं को बस क्रोध और उतावलापन नहीं दिखाना है। घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करती हैं तो जरूर करें, धूप दीपबत्ती दिखाएं भगवान को, तो बढ़िया रहेगा। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। परिवार की महिलाएं परिवार के सदस्यों को एक धागे में पिरोकर माला की तरीके से रखने का काम करने वाली हैं, और उनका जो ये सहयोग है, उनका ये जो प्रयास है, ये काफ़ी हद तक सफल रहेगा। महिलाओं के लिए कामयाबी के नए रास्ते खुलेंगे और दोनों हाथों से एक सफलता हाथ फैलाकर खड़ी है। महिलाएं अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति होती हुई देखेंगी इस महीने में। आपकी संतान पढ़ाई लिखाई के मामले में बेहतर रहेगी, जैसा मैंने पहले भी कहा, और एक सुंदर बेहतर योग्य संतान जिस घर में हो, जिस माता पिता की हो, तो उसकी खुशियां और बढ़ जाती है और आपका नाम भी जरूर रोशन करेंगे आपके बच्चे, या कुछ ना कुछ बढ़िया करेंगे। छात्र हो या छात्राएं हो, सफलता दोनों को मिलेगी। सफलता मिलना घर में छोटी छोटी फंक्शनों में बदल सकती है, छोटे छोटे अवसर मिल सकते हैं खुशियां बांटने के, तो इन अवसरों को भी आप इंजॉय करेंगे। कई बार आप लोगों के मन में कोई तीसरा व्यक्ति, कोई बाहर का व्यक्ति उल्टी सीधी बात करके वाद विवाद की स्थिति को पैदा कर सकता है, तो ऐसे बेकार के लोगों की बातों पे ध्यान न दीजिएगा, जिससे कि आप अपने घर में ही लड़ाई कर बैठे। यानी चुगलखोर लोग जो होते हैं, या इधर उधर की जो बातें करते हैं, या कह लें आपके शत्रु कह लें, जो आपकी खुशियों से शायद खुश ना हो। आपकी संतान आपसे नई नई चीज़ों की डिमांड कर सकती है, उनका शौक कुछ नया हो सकता है, वो कुछ नए प्रयोग करने के लिए आपसे पैसों की डिमांड कर सकते हैं या चीज़ों की डिमांड कर सकते हैं। तो
तो आपको उनकी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ सीखना चाहते हैं और सीखने के लिए ना कोई उम्र होती है और ना ही कोई समय होता है, किसी भी समय पर सीख सकते हैं। तो अब सीखने के लिए साधन भी चाहिए, यदि साधन की डिमांड आपकी संतान करती है तो आपको जरूर उनकी सहायता करनी चाहिए। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप और आपकी संतान वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हो जाएंगे और बहुत तरक्की करने वाले होंगे, और आपके बच्चे इस महीने आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपका वक्त बीतने वाला है। आपके जीवन में अगस्त माह धन मान सम्मान रुतबा सब कुछ लेकर आएगा। आपके जीवन में बड़े लोगों से आपकी दोस्ती होगी, आपकी लाइफस्टाइल बढ़िया होगी, घर में सुखद वातावरण होगा, घर के लिए चीज़ों की खरीदारी होगी, आपके घर में लग्जरी आइटम गाड़ी पार्टियां शोर शराबाजी चलती रहेगी और खूब शोर शराबा भी हो सकता है, यानी मौज मस्ती का माहौल रहेगा। ध्यान रहे इन सब के चक्करों में आप अपने काम को ना भुला दें, इन सब शोरबाजी घूमना फिरना मौज मस्ती में इतना थक ना जाएं कि अगले दिन ऑफिस में ठीक से काम ना कर पाएं, अगले दिन या कुछ दिन बाद कोई एग्जाम्स है उसमें आपकी परफॉर्मेंस वीक हो जाए। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया वक्त रहने वाला है। आपको बड़ों की बात माननी चाहिए, उनकी सीख पर आगे बढ़ते हुए काम करना चाहिए। आपको कार चलाते समय या कोई भी वाहन चलाते समय ओवरटेक नहीं करना है, दवाएं वक्त पर लेनी है, वाहन सही से चलाना है। वाहन चलाते समय सड़क पर या सार्वजनिक या पब्लिक प्लेस में किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करना है। आम खाने का मौसम है, आम खाएं, लेकिन ध्यान रहे यदि आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो थोड़ा कम खाएं, मीठी चीज़ों से परहेज रखें जिनके अंदर शुगर की प्रॉब्लम है। आपको खुली हवा में योग प्राणायाम करने की आवश्यकता पड़ने वाली है ताकि आपकी सेहत बहुत चुस्त दुरुस्त रहे। बाहरी हवा लें, सुबह सुबह की जो ताज़ी हवा होती है उससे बहुत लाभ होगा, और बाहरी तला बुला भोजन बिल्कुल भी ना खाएं, और घर का बढ़िया हल्का सात्विक भोजन खाएं और दिमाग को बिल्कुल हल्का और लाइट रखें। तो बहुत बढ़िया अगस्त का महीना आपके लिए जाने वाला है। ओवरऑल अगस्त का महीना काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपके लिए लेकर आ रहा है, तो खुश हो जाइए और एंजॉय करिए। अब बात करते हैं इस महीने में आपको क्या क्या उपाय करने हैं, कुछ और अन्य जानकारियाँ। तो इस पूरे महीने आपकी गोचर कुंडली में काल सर्प दोष बना रहेगा या उसके प्रभाव में रहेगी आपकी कुंडली, तो आपको उपाय करने से लाभ होगा। आपको पूरे महीने माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए, बृहस्पति यानी गुरुदेव की वस्तुओं का दान करना चाहिए, और 5 तारीख को नाग पंचमी है, आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं, नाग नागिन का जोड़ा शिव जी पर अर्पित कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, और 24 तारीख को जन्माष्टमी है तो भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय और हनुमान जी का मंत्र कोई जप सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो आप लोगों का अगस्त का महीना बहुत बढ़िया रहे, अगस्त के महीने से आप लोगों की तरक्की शुरू हो जाए और जो अभी तक आपको नहीं मिला है वो भी मिलना शुरू हो जाए, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसा मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि आप लोगों का बहुत भला होता चला जाए, ईश्वर आपको वो सद्बुद्धि ज्ञान देता चला जाए, और जीवन में जितने भी अवरोध हैं, कांटे हैं, शत्रु है, ज्ञात अज्ञात परेशानियां हैं, उनसे आपको शीघ्र मुक्ति मिले और आप भी मुस्कुराएं, और आप मुस्कुराएंगे तो आपका परिवार मुस्कुराएगा, आपका परिवार मुस्कुराएगा तो आस पड़ोस मुस्कुराएगा, आस पड़ोस मुस्कुराएगा तो मोहल्ला मुस्कुराएगा, मोहल्ले से प्रदेश मुस्कुराएगा, फिर देश, फिर विश्व मुस्कुराएगा। तो आपकी मुस्कान बहुत इम्पॉर्टेंट है। हरिओम नमस्कार।